चलते हैं अब हम टेंपल की ओर। रूम काफ़ी मैसी हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान इधर का उधर करना पड़ता है। कॉल की एंट्री नहीं है बट फिर भी जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको वीडियो ज़रूर शो करूँगी। अभी हम बैठे हैं टैक्सी में जो कि येलो कलर की होती है और कहते हैं कि अगर बंगाल आके हम इस टैक्सी में नहीं बैठे तो फिर कहाँ बैठे हैं, तो इस टैक्सी का मजा उठा रहे हैं। इट्स ए काइंड ऑफ एम्बेसडर कार। और अभी हम जा रहे हैं कालीघाट टेम्पल और अंकल ने वैसे 130 बोले हैं जबकि होटल वाले अंकल ने बोला कि 100 रुपीज़ देना। लेट्स सी वो कितने पैसे लेते हैं। टूरिस्ट देख के तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, डिस्टेंस। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती तो यहाँ चल के जाना पड़ता है। और उसके बाद हम लेंगे प्रसाद, पास में बहुत सारी शॉप्स हैं तो हम आ गए शॉप पे प्रसाद की। और यहाँ पे माता रानी को जो भी प्रसाद चढ़ता है लाइक यहाँ पे ना खोए की कुछ मिठाई सी होती है राउंड शेप में, वो चढ़ती है माता रानी को। बर्फी टाइप नहीं होती बट खोए की होती है कुछ, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। ये उन्होंने टोकरी में माता रानी को जो भी सामान चढ़ता है वो डाल दिया, लाइक सिंदूर माता को जो पैरों में लगाते हैं ना, आलता लगाते हैं, वो रेड रेड कलर का होता है। बैंगल्स देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी हैं क्योंकि माता रानी के जो मतलब हाथ वहाँ पे मूर्ति के बड़े हैं तो इसलिए। और ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल थे। जितने ये कैमरे में ब्यूटीफुल लग रहे हैं इतने विदाउट कैमरा भी उतने ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी हम कालीघाट मंदिर से दर्शन करने आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ईश्वर मंदिर जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमें ये जो दर्शन हुए बहुत अच्छे से हुए, ये मंदिर में अर्जुन से मेरी मांग भरवाई अब देख रहे हैं और अच्छे से हुआ सब। तो अब दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहे हैं जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो लेट्स सी वहाँ के दर्शन कैसे होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं काफ़ी सारे। यहाँ से एंट्रेंस है, आई थिंक यहाँ से पार्किंग है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो यस, ये पार्किंग एरिया जैसे कि भैया ने बताया ये पार्किंग एरिया है। और मंदिर के अंदर जो है वो फ़ोन अलाउड नहीं है और यहाँ से जाना है फ़ोन्स, यहाँ हमने फ़ोन्स डिपॉजिट करवाने हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और टूरिस्ट आते हैं, उनके बैग्स एंड सब यहाँ रहते हैं। और वो जो सामने से एक स्टेचू सा दिख रहा है वहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं जो भी अंदर हमने चढ़ावा चढ़ाना। और यहाँ से फिर दर्शन करने को जाना है, फ़ोन डिपॉजिट करवा दिए। और फाइनली हम लोग दर्शन कर आ गए, फ़ोन से अलाउड नहीं थे इसलिए कुछ दिखा नहीं पाई। और यहाँ पे हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी हमारी वेट कर रही है। फाइनली हम लोग दर्शन कर आ गए हैं और बड़ा ही ज़्यादा कहीं तो रश था आज, बिकॉज आज ट्यूसडे भी है। बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी, मेरे ख्याल से आज तक मैं इतनी लंबी लाइन में फ़र्स्ट टाइम ही खड़ी हुई हूँ। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और कुछ खाने जा रहे हैं वापस। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। आप देख सकते हो कि कितने टायर्ड हैं हम, अर्जुन को देख सकते हैं कि तो आज से कैसा लगा दर्शन करके। दर्शन तो करके बहुत मज़ा आया बट रश रोज 45 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, गर्मी भी यहाँ पे है। दैट्स व्हाई हम ज़्यादा एक सर्दी के इलाके से गर्मी के इलाके में आए, उसकी वजह से हमें ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है एडजस्ट करने में। बाकी सब तो अच्छा है, अभी खाने में तो हमारे होटल से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे थे बलवंत का ढाबा। एंड ये किसी मतलब कि यहाँ पे जो फूड मिल रहा है वो बिल्कुल ही देसी फूड है। और यहाँ पे जो भी लाइम सोडा भी ना ये मिट्टी के बर्तन में देते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, और लस्सी कुछ भी लिक्विड है तो वो इसी बर्तन में देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लाइम सोडा है। और यहाँ खाना खाने के बाद मतलब प्रॉपर घर के खाने की फीलिंग आती है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल के बाहर, द हिंदुस्तान इंटरनेशनल। और होटल तो है ही बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा होटल। कभी भी बंगाल आए तो यहाँ स्टे के फिर जरूर करें। और अभी ये रही एंड फ्रेंड्स,
सो फाइनली वी आर बैक और हम दोनों दर्शन कर आ गए हैं दोनों मंदिर के. बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और ब्रेकफास्ट कम लंच कर लो वो भी खा चुके हैं, खाकर आ चुके हैं. अभी रेस्ट चाहिए सीरियसली. और लिफ्ट में ही है जैसे कि आपको दिख रहा है और फ्लोर पे पहुंच गए. सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए. वहाँ से आके वापस जो हम बड़ा ज़्यादा थक गए थे तो हमने काफ़ी रेस्ट की. आई थिंक चार घंटे तक हम सो गए. और अर्जुन भी काफ़ी टायर्ड है ना अर्जुन? और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं डिनर के लिए. देखते हैं और चलते चलते हमें मिल गया जूस वाले अंकल का. तो हमने सोचा कि उन्हें जूस पी लिया जाए. और सच में जूस बहुत अच्छा है. अर्जुन ने पिया तो अर्जुन को बहुत अच्छा लगा. मैंने भी पिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और फिर हम आ गए फाइनली वापस अपने बलवंत के ढाबे में. वॉकिंग डिस्टेंस भी था बट हम लोग टैक्सी पे जाते, इतना चला नहीं जाता, इतना पास भी नहीं था, लगभग 1 किलोमीटर है. तो हम फिर टैक्सी पे ही आ जाते हैं. एंड ऑर्डर करना है, क्या करना है यही सोच रहे हैं. फाइनली मैंने लस्सी ऑर्डर की जो कि यम बहुत अच्छी है. और अर्जुन जलेबी ऑर्डर की जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी सीरियसली. जो हमारी गांधीनगर में मिलती है वो बहुत अच्छी होती है, ये मुझे पसंद नहीं आई. और मैगी लवर, इनको मैगी ही चाहिए. और मैंने ऑर्डर की दही भल्ला बट इनका कुछ अलग ही ये सेवना से डाल कर दे देते हैं. मुझे तो अपने जम्मू वाले ही पसंद आती है. तो ये जो बलवंत का ढाबा है ये है कोलकाता में. और प्रॉपर एड्रेस मुझे भी नहीं पता, गुरुद्वारे के पास है. तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था. तो सर्च करके जब भी कोलकाता जाए ज़रूर जा सकते हैं. तो हमने डिनर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस. और अभी हम फिर से बैठे हैं येलो टैक्सी में. तो वो थक गए हैं. और जब भी आप लोग बंगाल आओ तो येलो टैक्सी में ज़रूर बैठो. वैसे ही टूरिस्ट को बड़ा लूटते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. फाइनली डिनर कर हम आ चुके हैं वापस रूम. और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी. मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.